रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने अब नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका पर भड़क गए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले का खौफ पैदा कर यूक्रेन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मॉस्को युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका और नाटो को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस पश्चिमी देशों को अपने सुरक्षा हितों को रौंदने की अनुमति भी नहीं देगा, जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि रूस कभी भी इस देश पर हमला कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य तैनाती का पता लगाने के लिए केवल सैटेलाइट तस्वीरें ही काफी नहीं, स्थिति अभी तक उतनी भी खराब नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए अमेरिका के साथ के लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति हूँ, मैं यहाँ हूँ और मुझे इन सब के बारे में ज्यादा पता है, मैं किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से ज्यादा जानता हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति का इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ था। ऐसी जानकारी है कि रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर 1,00,000 सैनिक, टैंक, मिसाइल और दूसरे कई हथियार तैनात कर दिए हैं, जिससे इस बात का डर बढ़ गया है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर उस पर कब्जा कर लेगा। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति और दूसरे अधिकारी शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को युद्ध के खौफ से दूर रखना चाहते हैं। बाइडेन और ज़ेलेंस्की ने एक दूसरे से बात भी की थी। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर संभावना जताते हुए कहा कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्रीमिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि रूस ने उनके क्षेत्र पर 8 साल पहले कब्जा कर लिया था, इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि तनाव नहीं बढ़ रहा। इस कब्जे के डर के बीच रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि मॉस्को लड़ाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन पश्चिमी देशों को अपने हितों को रौंदने भी नहीं देगा। साथ ही रूसी रेडियो स्टेशन को दिए एक इंटरव्यू में कहा, जब तक सब रूसी संघ पर निर्भर रहता है कोई युद्ध नहीं होगा, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने हितों को कुचलने और उपेक्षित भी नहीं होने देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।